अब हमने कुछ ताजा समुद्री मछली खरीदी है, तो चलिए खाना बनाते हैं। ओ लेकिन रुको, हम अभी तैयार नहीं हैं। मेहमानों को परोसे जाने से पहले सी फूड को टुकड़ों में काटना पड़ता है। आप पूरी मछली सर्व नहीं कर सकते। उन हड्डियों के बारे में सोचे जिन्हें ग्राहकों को निकालनी होगी। तो आइए उन उपकरणों पर ध्यान दें जिनकी आपको मछली को पूरी तरह से साफ करने के लिए आवश्यक होंगे। यहाँ इस चाकू को फिश फिलेटिंग कहा जाता है। इसकी तेज लचीली ब्लेड मछली पूरी तरह से साफ करने के लिए एकदम सही है। क्या आपको सब्जियों को काटने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले चॉपिंग बोर्ड का रंग याद है? हाँ सही, हरा। और वह मांस को काटने के लिए? फिर से सही, पीला। और क्या आप जानते हैं कि हम समुद्री खाने को काटने के लिए नीले रंग के चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं? किचन नाइफ निश्चित रूप से भरोसेमंद रसोई चाकू है। यह चाकू आपका सबसे अच्छा दोस्त और निरंतर साथी होना चाहिए। यह बहुमुखी चाकू बहुत काम आता है जब यह आपके समुद्री भोजन से स्केल, पंख, पूंछ और सिर को काटता है। अब हम कुछ मछली पकाने के लिए तैयार है। अब जब हम जानते हैं कि इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण हमें अपनी मछली काटने के लिए सहायता देंगे, आइए हम उन विभिन्न तरीकों के बारे में जानें जो हम कर सकते हैं। हमारे पास फिले कट, डार्न या स्टेक कट और फिंगर कट है। मुझे पता है कि ये नाम थोड़ा जटिल है, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि कटिंग बहुत सरल है। मुझे विश्वास है कि आप इस पाठ के अंत तक समझ जाएंगे।